घमापुर थाना में दर्ज हुए वर्ष 2018 के मामले में एक आरोपी को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए घमापुर पुलिस ने बताया कि अजीत श्रीवास्तव ने एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि उनको किसी का फोन कॉल आया था कि आपके पिताजी की पॉलिसी मेच्योर हो गई है, जिसके लगभग 60 लाख रुपये मिलने हैं, लेकिन TDS का पैसा जमा करना पड़ेगा, जिसके चलते शिकायतकर्ता से करीब 50 लाख रुपये जमा करवा लिए गए, जिसके बाद में पता चला कि ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की थी। इसके बाद फरवरी 2020 में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उससे लगातार पूछताछ करते हुए उसकी निशानदेही पर आज एक और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2018 में हमारे यहाँ एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें प्रार्थी अजीत श्रीवास्तव थे, निवासी घमापुर। शिकायत ये थी कि वर्ष 2017 में इनके पास कहीं से कॉल आया और इनको बताया गया कि इनके पिताजी के नाम पे एक पॉलिसी है जो कि मैच्योर हो गई है और जिसके लगभग अब 60 लाख रुपए जो है इनको मिलने हैं, लेकिन उसके पहले जो है इनको कुछ राशि जो है TDS के रूप में जो लगती है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो ऐसा करके अलग अलग खातों में इनसे लगभग 50 लाख रुपये जो है प्रार्थी से जमा करवाए गए फर्जीवाड़ा करके, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह थी नहीं उनके पिताजी के नाम, ये बहुत बाद में पता चला जब तक तो पूरे पैसे जमा करवा चुके थे। तो इन्वेस्टिगेशन 2018 से हमने मामला पंजीबद्ध करके चालू की थी। इसमें 2020 में फरवरी में हमने आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते गई तो उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, विवेक अग्रवाल। उसके माध्यम से हमें कुछ जो जानकारियाँ मिली थी कि जो खाते जो हैं जो लोग खुलवा रहे हैं अलग अलग लोगों के नाम पर, उन्हीं खातों में जो है पैसे जमा करवाए जाते हैं। उसी आधार पे, उसी जानकारी पे आगे बढ़ते हुए हमने आज जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया है गोसलपुर से, जिसके खातों में जो है प्रार्थी अजीत श्रीवास्तव और उनकी पत्नी के द्वारा जो है पैसे जमा करवाए गए थे। तो ये इसका नाम आकाश सिंह है, पिता मुन्ना सिंह, और ये गोसलपुर का निवासी है। तो अभी इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने जो अभी जो जानकारी दी है उसमें भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, तो आगे विवेचना के दौरान फिर कार्रवाई की जाएगी उसमें। हाँ, ये है, इनके पहले से भी रिकॉर्ड है। जैसे आज हमने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, ये ऐसे ही एक मामले में इसको जयपुर पुलिस भी गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, जहाँ इसके द्वारा बताया गया है कि ये लगभग 4.5 महीने जेल में।